चैनल आईडी विला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर वन क्लास एट के वर्कशीट है, आपकी गर्मी की छुट्टियों के बाद ये पहले वर्कशीट है हिंदी मीडियम में। बच्चों कुछ गणितीय अवधारणाओं को दोहराएंगे हम लोग। आशा करते हैं कि आप पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। और गणित की कुछ चार मुख्य अवधारणाएं हैं और पूर्णांक के कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पे हम स्मरण करेंगे जो पिछली कक्षाओं में आपने किए थे। तो एक बार रिवीजन करते हैं, तब धीरे धीरे करके इस कक्षा के चैप्टर्स भी करेंगे। तो प्रयास करना है। पहला देखिए, 258 में 642 जोड़ा गया तो 900 आया। ऐसे ही 589 में क्या जोड़ेंगे, 780 आएगा। तो आप 780 में से 589 माइनस कर दीजिए तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। इस पार्ट पे बता रही हूँ मैं आपको। आप 700 देखिए, इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 780 में से 589 घटा के देखिए तो जो भी आएगा उसे आपको यहाँ लिखना है, यानी कि 191। 191 को इसमें जोड़ते हैं तो ये 780 आएगा। ऐसे 4790 में हम जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। सेम किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पे वही संख्या आती है। अब 509 और 1254 को जोड़ना है तो ये आएगा 1763। कैलकुलेशन करते रहिए आप और हाथ से कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। 1010, 1010 में जोड़ेंगे तो 2020 आंसर आएगा। उसके बाद इसकी संख्या में 876 घटाएं कि 463 आ जाए। सिंपल बात है, इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, वो यहाँ लिख देंगे तो वो होगा 1339। 1339 में जब 876 माइनस करेंगे तो 463 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नेक्स्ट है। अब देखिए इसमें नेगेटिव की संख्या भी है, पूर्णांक वाले भी हैं, ठीक है, ये पूर्णांक संख्याओं का योग है। तो -120 जमा 250 130 होता है, क्योंकि जमा में घटा करेंगे तो घटाएगा। ठीक वैसे ही 35 में 57 को घटाया जाएगा तो -22 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, बड़े का निशान होगा। अब आप देखिए 46 है, या जमा घटा घटा हो जाएगा, ये घटा का 31 होगा और ये भी घटा का 29 होगा। तो इन दोनों को आप इकट्ठे जोड़ लीजिए, इनको जोड़ के उसमें 46 घटा दीजिए, माइनस का 14 आएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी आएगी। जो भी संख्या बड़ी होगी प्लस या माइनस में से उसी का निशान आता है। -57 में -46 जोड़ेंगे, जोड़ना है तो दोनों ही माइनस माइनस के हैं तो एक साथ माइनस आ गया, 103 जुड़ गया लेकिन निशान माइनस का ही होगा। अब -87 में क्या जोड़ेंगे कि 35 आएगा, नेचुरल कोई धनात्मक संख्या ही जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो संख्या होगी 122। 122 में -87 जोड़िए तो क्योंकि ये माइनस के तो ये घटेगी इसमें से, तो 35 आंसर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है और एक संख्या और जोड़नी है कि 445 आंसर आ जाए, ठीक है, लेकिन 445 आने के लिए तो कम चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पे मैंने देखा, इन दोनों को जोड़ेंगे 267 और 546 को तो ये आएगा 7 और 6 13, 6 4 10 और 1 11, 5 2 7 और 1 तो 813 आ गया। अब इसमें से हम क्या घटाएं कि 445 आ जाए, मतलब क्या जोड़ें। तो नेचुरल कोई नेगेटिव रकम ही जोड़ोगे तो 445 को माइनस करके देख लो, सीधी सी बात है, कितना है, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, और फिर यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 4 गया 6, और फिर यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 4 गया 3। तो 368 आप घटे वाला 368 जोड़ेंगे माइनस का नेगेटिव वाला, तो नेचुरल है वो संख्या 445 आ जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखिए। यहाँ पे पूर्णांकों का को घटा योग कीजिए। घटा योग मतलब कि घटा घटाइए तो क्या आएगा, जैसे 20 है, 20 में -23 को घटाएंगे क्योंकि ये बड़ी है, तो 3 तो आ गया, ये बड़ी है, इसका निशान आएगा -3। अब देखिए -239 में -138 घटाएंगे, दोनों ही माइनस के, एक ही डायरेक्शन के हैं, तो क्या आएगा, नेचुरल है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 377, लेकिन डायरेक्शन माइनस की तरफ है, निशान माइनस का आएगा, ठीक है। ऐसे देखिए आगे,
माइनस 26 और ये माइनस 35 घटा रहे हैं, तो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 35 में से 26 घटा दीजिए 9 आ जाएगा, प्लस का है क्योंकि बड़ी संख्या जो 35 प्लस की होगी, ठीक है। ऐसे माइनस 28 माइनस 45 और ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें ये घटा देंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के होंगे और 56 प्लस का आया, तो ये आएगा माइनस का 17। कैलकुलेशन ये आपको आनी चाहिए, नेक्स्ट वन में 81 आएगा, आप बताएंगे कैसे आया कैलकुलेट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीनों उदाहरण तो हो गए, अब हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 लाख, ध्यान देना है, 5900 पहला सवाल, 2,05,000 बोला है, तो 10,000 पे तो जीरो होगा, 2,05,900, इसमें आपको 10,301, 10,000 ऐसे लिखेंगे, 301 को जोड़ना है, तो क्या आएगा, देखिए 1,02 आ गया, हासिल 5 और 1 6, 2,16,201 आ गया, क्लियर है। ऐसे ही आगे अगली संख्या देखिए, सवाल नंबर 2, 9 लाख ऐसे लिखेंगे, 750, ध्यान देना है 10,000 और 1,000 पे कुछ भी नहीं है, 750 यहाँ होगा, मैं 8,520 को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए कितना आया, 0,7,2,9,0,9, 9,09,270 आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, 1,00,000 में से 20,500 घटाना है, तो 1,00,000 ऐसे लिखते हैं, क्या कह रहा है, 20,500 को घटाइए, घटाना है, तो अब घटाइए, 5 आ गया, 0,0 हो गई, 10 में से 5, 5, ये 9 बचेगा, 9 में से 0 हो गया 9, ये भी 9 बचेगा, कम हो गया, 9 में से 2 हो गया 7, तो ये 79,500 आंसर आएगा सवाल नंबर 3 का। चलिए अब नीचे आते गुणा करते हैं, देखिए 240 में 20 जोड़ गुणा किए इन्होंने, तो ये आया। अब सब कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, थोड़ी सी आपकी बस हेल्प कर देती हूँ, यहाँ गुणा 100 से जब किसी संख्या गुणा करना हो तो कुछ नहीं करना है, बस जितनी बार जीरो लगी होंगी ना उतनी जीरो लगा देनी है, 0,0, ऐसे 234 को 1,000 से करेंगे तो 234 लिखिए, 1,2,3,0, 45 को 45 से कीजिए, गुणा ही करना है, 2,025, इसमें 345 को पहले 35 से गुणा करेंगे फिर 35 को जोड़ेंगे, तो इनको गुणा करके देखिए, फिर 35 जोड़िए तो ये आएगा 1,2,1,1,0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। अब इन दोनों के गुणा कीजिए, तो इन दोनों को गुणा करने पे आपका आंसर आएगा 1,9,2,6,9,4,1,1,5, आप गुणा कर लीजिएगा, 45,670 में 10,101 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए गुणा कर लेते हैं, ये आएगा 4,6,1,3,1,2,670, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें 5 के गुणा करेंगे तो ये आएगा 5,0,5,0,5,0,5,0 करके देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 265 गुणा 186 और यहाँ 186 गुणा 265 होगा, अलट पलट करना है, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ भाग करने वाले भी देख लेते हैं, जमा घटा गुणा भाग, ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है इस वर्कशीट के थ्रू, तो भाग 101 को 10 से भाग करना है। पहला क्वेश्चन है, 101 को 10 से भाग कीजिए, नेचुरल है 10 है नीचे तो एक के बाद पॉइंट लग गया, 10.1 आ गया। सवाल नंबर 2, 2130 को 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देने पे आएगा 1,4, इसको भाग कर लीजिए, 7 से भाग करते हैं इसको, रुकिए, सवाल नंबर 2,
सात से भाग कीजिए, 2130, ठीक है, सात तिया 21, पूरा कट गया। ऊपर से तीन उतारेंगे नहीं जाएगा, जीरो के पहाड़े में कर सकते हैं तो, या फिर ऊपर से कैरी कर लीजिए तो 30 बन गया। जब दूसरी रकम लेंगे तो उसकी जीरो लगती है, तो सात तिया 21, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया 9, फिर जीरो लगाइए, दशमलव लग गया, कितना होगा, नहीं 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28, यहाँ 4 ले लेंगे तो 2 बचेगा, फिर दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद जितनी भी जीरो उतार सकते हैं, तो 7 दूनी 14, हमारा आ गया 304.2 समथिंग आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 को, देखिए ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 111 को 11 से भाग करना है तो ये आ जाएगा 91.9090, भाग करके देख लेना आप लोग। ऐसे चौथे क्वेश्चन में इसको 5 से भाग करेंगे तो 101.0101 आएगा। पांचवे में आएगा 9 से भाग करना है, 50753.777 आता जाएगा। छठे में आप 13 से भाग करेंगे तो 7595.0.4615 आएगा। इसको भाग करके आपको बताना है कमेंट में, और वर्कशीट अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।